गाइस गुड मॉर्निंग। चलो कौन खुशनसीब इंसान मुझको बताएगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? वेदांत। ठीक है, so the law of equimarginal utility is first of all based on the concept of law of diminishing marginal utility. First of all we try to consume that commodity whose marginal utility is high, but as we go on consuming more of a particular commodity its marginal utility goes on declining. Continuously marginal utility गिरती जाती है. A point is reached when the marginal utility of commodity X and commodity Y become equal. और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम इन सच अ वे दैट, ध्यान से सुना, अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम इन सच अ मैनर दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑन ऑल द कमोडिटी ही बाय इज इक्वल. सारी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है, इस तरीके से वो खर्च करता है. ठीक है, तो जो पेज 4 है ना उसके ऊपर देखो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में जो ब्लू कलर से पॉइंट दे रखा है, द कंज्यूमर विल अटेंड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन वेरियस गुड दैट इज बाय इज इक्वल. दैट मींस मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में. Then we are talking about the consumer surplus. Consumer surplus means the amount which a person is ready to pay minus the amount which he actually pays. The amount which a person is ready to pay is also called as dash marginal utility of that commodity. Marginal utility, as we go on consuming more unit, marginal utility declines. So consumer surplus भी गिरता जाता है. A person stops his consumption. एक person अपना consumption stop कर देता है कब? When marginal utility is equals to price. When MU is equals to price. Or I can say that when the consumer surplus becomes zero, a consumer stops buying. For the commodity like medicines, necessities, the consumer surplus is very high initially. जैसे कि कल अपने हर्षल का एक एग्जाम्पल लिया था, तो वो पानी का प्यासा था, तो फर्स्ट केस में भले वो लेमोनेड नींबू पानी जो बेच रही थी 5 रुपए का बेच रही थी, पर तो 5,000 देने के लिए भी रेडी था. समझ में आया क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं. पहले ये पॉइंट रीड कर लेते हैं, इसके अंदर एक फॉर्मूला आने वाला है. We are on page number 4. Consumer equilibrium. Consumer as per the law of diminishing marginal utility, the additional consumption of item lead to decrease in marginal utility. The consumer will be willing to buy a commodity as long as marginal utility derived is equal to price of that commodity. In other words, the consumer will not buy a commodity if price he pay is more than the satisfaction he derives. For example, कहाँ गया अपना रुशान, किधर गया? रुशान का फोन था, अब उसने 32,000 में लिया, उसको लगता है 32,000 की उसको यूटिलिटी मिल रही है, पर यही लड़की को, इसको लगता है कि अपने को नहीं मिल रही यूटिलिटी, इसको लगता है नोकिया 1100 यूज करना है, 1500 या 2000 रुपए में यूटिलिटी डिराइव हो जाती है. तो तुम वो कमोडिटी बाय करोगी क्या? नहीं. और उसने क्यों बाय किया? सर यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आ गया. Thus the consumer is in equilibrium when price of the commodity is equals to marginal utility. इसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइटर मार दो. पहले से ही करके रखा है क्या? लड़कियां शानी लड़कियां चलती क्लास में रिवीजन चल रहा है इनका, है ना, फिर भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आते. क्या तुमने कोई भी 30 को क्रॉस नहीं कर पाया इको बीसी के पेपर में 50 में से? मतलब 1-2 जन है जिनको 32 है, पर 30 को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा. क्रांति को तो बहुत बैलेंस चल रहा है, क्रांति के जितने राइट है उतने रॉन्ग होते हैं, क्रांति बैलेंस करके चल रहा है, फिर भी नेट गेन है ना उसको. समझो 25 राइट के और 24 राइट के 24 रॉन्ग कर दिए, कितने मार्क्स आएंगे? 18 मार्क्स आ जाते हैं. बहुत शाना है वो, 24 राइट 24 रॉन्ग करके भी उसको 18 मार्क्स आते हैं. 18 नहीं, ज्यादा आएंगे, हाँ 18 आएंगे, 6 नेगेटिव हो जाएंगे. ओके, तो इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होता है? व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी. अगर मल्टीपल कमोडिटीज रही तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई. और अगर तीन कमोडिटी रही तो mu x डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू mu y डिवाइडेड बाय पी वाई इज इक्वल टू mu z डिवाइडेड बाय पी जेड। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उसके अंदर पूछेंगे तुमसे एक मिसिंग एलिमेंट फाइंड करने के लिए। इफ मार्जिनल यूटिलिटी लेट्स से ऑफ प्रोडक्ट x इज 9, लिखो तो सही एग्जांपल, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट x इज 9 and the price of x is 32, while the marginal utility of product y is 11, find the price of y. 9, 32, 11. If the marginal utility of x is 9 and price is 32, 32 ही बोला था मैंने, marginal utility of y is 11, find out the price of y. कैंसिल लग रहा है, लगेगा ही 39.11. कौन से पेन से लिख रहा था? क्या आंसर आया सबका? क्या बात, इतना इजी क्वेश्चन। लगता है मैथ्स की क्लास बहुत अच्छे से कर रहे हो तुम। मैंने आज तो पढ़ाया भी नहीं है, लैपटॉप हैंग हो गया। क्या करने का? पार्टी। कौन सी चीज के लिए पार्टी नहीं मांगोगे रे तुम? The consumer will attain maximum satisfaction and will be in equilibrium when marginal utility of money spent on various good that is buy is equal. दो commodity, एक single commodity रही तो हम क्या बोलते हैं? Marginal utility of that product is equals to price. और अगर multiple product रहे तो marginal utility of money spent on various commodity that buy is equal. इसको भी underline कर लेना है point को। आएगा ये MCQ में है, आएगा। Consumer surplus mean what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. The consumer continue to buy a commodity till marginal utility is equals to price of the commodity. ये जो point number 2 है ना, इसमें क्या लिखा है? Marginal utility is equals to price of commodity. आदित्य, इस level पे point number 2 जो है उसमें मुझे बता consumer surplus कितना रहेगा? रुको रे, आदित्य से पूछा। हाँ, पॉइंट नंबर 2 जो देख मैंने यहाँ पे बॉक्स करके रखा है, द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू बाय अ कमोडिटी टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस लेवल के ऊपर कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? जीरो, जीरो रहेगा। फॉर ऑल द अर्लियर यूनिट परचेज मार्जिनल यूटिलिटी विल बी ग्रेटर देन प्राइस पेड। सिंपल सी बात है, फॉर ऑल द अर्लियर यूनिट पेड, इससे पहले जो जो यूनिट कंज्यूम करोगे उससे पहले मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव रहेगा हमेशा। द डिफरेंस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। देख लो, अपन ने वही एग्जांपल कंटिन्यू किया, अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी तक तो निकाल लिया था। लेट्स से कि जब तुमने एक ऑरेंज कंज्यूम किया, यू गॉट द यूटिलिटी ऑफ 60, योर मार्जिनल यूटिलिटी वाज आल्सो 60। व्हेन यू कंज्यूम सेकंड यूनिट, योर मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम 50 बट द प्राइस वाज स्टिल 40। इसका मतलब क्या है? मार्केट में 40 रुपए चार्ज कर रहे हैं प्राइस, पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 60 रुपए का तुम्हें एक यूनिट कंज्यूम करने पर। दूसरा यूनिट कंज्यूम करने पर 50 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन प्राइस स्टिल 40 रुपए चार्ज किया। तीसरा यूनिट कंज्यूम करने पर तुम्हें 40 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और प्राइस भी 40 ही चार्ज किया। चौथा यूनिट कंज्यूम करने गए तो तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी 30 है, यानी कि सेटिस्फेक्शन 30 रुपए का और प्राइस 40 रुपए। नहीं दोगे तुम, कंजम्पशन ही नहीं करोगे तुम। कंजम्पशन कहां पे स्टॉप कर दोगे? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस, जहां पे तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट पेज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। इनफैक्ट अगर मान लो ये आ गया ग्राफ तो 3 क्वेश्चन पूछेंगे स्ट्रेट अवे। सबसे पहले पूछेंगे आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ टोटल यूटिलिटी, दूसरा पूछेंगे आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, आइडेंटिफाई द प्राइस पेड एंड आइडेंटिफाई द क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ये 4 क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं इसके ऊपर। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। the area under AOQR is the total utility. ये total utility है. OP denotes the price paid. OP denotes the price paid. Therefore, if this part, ये whole part represents the total utility which you have derived, and OP is the price and OQ is the quantity consumed, then the area under OPR दिख रहा है ये triangle, this is the consumer surplus. ये इसका graphical representation है. वापस बोलता हूँ, पहले मेरे को दिखना चाहिए क्या लिखा है यहाँ पे, लैपटॉप चल नहीं रहा, क्या करे, पैसे नहीं आते ना अब. क्या करूं, थोड़ा मारू पीटू इसको. सही है, क्या बोलूं अभी. अरे तुमसे ज्यादा आलसी तो मेरा लैपटॉप है. फेंक दूं. इतने नेक ख्याल आते कहां से तुम्हारे मन में, को समझ में नहीं आता. लैपटॉप चल नहीं रहा, लैपटॉप फेंक दो. हाँ, अरे हाँ, अरे इतना अच्छा तो तुमने मैक करना तो मीठा. ठीक है, वापस से देखना. द एरिया अंडर पूरा ये ट्रायंगल और नीचे का उसका रेक्टेंगल, AOQR रिप्रेजेंट्स द टोटल यूटिलिटी. OP represents the price paid and OQ represent the quantity consumed. Therefore, the area under AOQR is the total utility, while the area under APR is the consumer surplus. वो पहले मिटेगा फिर मैं कुछ कर पाऊंगा. अभी धीरे धीरे उसने और मिटना है. ब्रेकफास्ट हो गया उतनी देर में तो मेरा. अभी प्रकट होगी लाइन है. चलो वापस वापस वापस. ओपी रिप्रेजेंट्स द प्राइस पेड. ओपी जो है ना वो प्राइस पेड है. ओक्यू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंज्यूम. ठीक है, सो टोटल तुमने पैसा कितना दिया, प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा प्राइस, एंड दिस इज द क्वांटिटी कंज्यूम. दिस इज द टोटल यूटिलिटी विच यू हैव डिराइव्ड. ये जो नीचे का रेक्टेंगल है उसके ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है. This is the total utility minus the price and quantity. So this part represent the consumer surplus. क्या ये समझा तुमको? चलो अपनी MCQ की बुक निकालो. टेक आया तुमको, छोटा सा लाए नहीं ना. ऐश्वर्या तुम सबसे आखिर में आई ना, अभी दरवाजा बंद करते हुए आया करो. यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है. लोग दिखते हैं मेरे को यहाँ से ऐसे हाथ पे, कपड़े पे हाथ पोंछते हुए. पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं. छोड़ो, संडे को देखते हैं. उसके अंदर सेम क्वेश्चन है. टोटल यूटिलिटी इज द एरिया अंडर OARQ. अब ये मत बोलना मेरे को सर आपने AOQR बोला. OARQ भी वही होता है. मालूम क्या तुम लोगों को? मालूम ना, भाग खुल गए मेरे. दूसरा, प्राइस पेड इज इक्वल टू एरिया अंडर OPRQ. OPRQ वो छोटा सा रेक्टेंगल, वो प्राइस पेड है. टोटल यूटिलिटी प्राइस पेड और डिफरेंस जो रहेगा कंज्यूमर सरप्लस है. इफ मार्केट प्राइस ओपी देन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाय ओक्यू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया तो 4 मार्क्स के लिए स्ट्रेट अवे आ जाएगा. डिफिकल्ट है श्रुति, तुम्हारे लिए क्या डिफिकल्ट है? लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कंज्यूमर सरप्लस की. पहला, the concept of consumer surplus is relevant only if cardinal approach to measurement of utilities assumed correct. कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या होता है? द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे माइनस द अमाउंट विच ये एक्चुअली पेस. दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपन मनी टर्म्स में, और मनी मेजरमेंट कार्डिनल अप्रोच है. तो ये यही बोल रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ कार्डिनल मेजर या कार्डिनल अप्रोच में ही यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनल में यूज नहीं कर सकते हैं. तो ये इसका पहला लिमिटेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज रेलेवेंट ओनली इफ कार्डिनल अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज अज्यूम. यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच में यूज होगा क्या तेजस? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें नंबर्स में नहीं प्रेफरेंस और रैंकिंग देते हैं. The consumer surplus cannot be measured precisely since it is difficult to measure the marginal utility of different unit of a commodity consumed by a person. क्या बोल रहे हैं कि consumer surplus निकालना मुश्किल है. अरे ऐसे कैसे मुश्किल है? कितना सिंपल तो फॉर्मूला है उसका. अमाउंट रेडी टू पे माइनस अमाउंट एक्चुअली. अमाउंट एक्चुअली पेड में तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो मार्केट प्राइस रहता है, समझो 40 रुपए. ये नोटबुक के कितने रुपए दोगी तुम? कुछ गिरा क्या? हाँ छोड़ो, पैसे तो नहीं गिरा ना मैं. कितने दोगी इसके? हाँ 19 रुपए चलेगा क्या? 21 रुपए बोलो ना, 21 भी चलेगा, 20 भी देने के लिए रेडी थी. तो एग्जैक्टली अमाउंट यू आर रेडी टू पे ही कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है. तुम 20 पे भी रेडी हो जा रहे हो, कई बार 21 पे भी रेडी हो रहे हो, कई बार 22 पे भी रेडी हो जाते हो, कई बार 21.5 तुम्हारा मैक्सिमम अपर टॉलरेंस लिमिट हो जाता है. तो यही बोल रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दिस अमाउंट प्रिसाइसली, अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे. समझ गया? ये वाला जो साइड है ना, अमाउंट विच अ पर्सन एक्चुअली पे, मतलब मार्केट प्राइस जो चल रहा है ये तो कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है. इशू यहां पे आता है अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे. अभी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये बुक के तुम 500 रुपए भी दे दो एग्जाम के एक दिन पहले, अभी तो पॉकेट में भी ना लो, ठीक है, हो सकता है ना. ये पॉइंट समझ में आ गया. कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? 3 पॉइंट डाल देंगे लिमिटेशन के, और चौथा डाल देंगे इसमें से ऑड मैन आउट, कुछ अलग ही लाइन डाल देंगे, और अपने को आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट डालेंगे और फोर्थ पॉइंट डाल देंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच. तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. थर्ड, कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. क्या बोल रहे हैं? अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है then the amount which a person is ready to pay change हो जाता है. amount which a person is ready to pay change हो जाता है. अब कैसे? जरा एग्जाम्पल दो, सोचो जरा, तुम्हारी क्रिएटिविटी देखते हैं. सोनाक्षी, अरे यार तुम लोग ना सब्स्टिट्यूट के केस में टी और कॉफी को हटा के चला करो यार. तुम जिंदगी भर टी कॉफी आधा इकोनॉमिक्स तो तुम टी कॉफी पे समझ रहे हो. क्या चल रहा है रे? नहीं मेरे को टी कॉफी नहीं चाहिए, अब पेप्सी कोक भी नहीं चाहिए. नालायक, पत्थर फेंक के मारूंगा. सुमित, पत्थर फेंक के मारूंगा. चल आंसर बता. हाँ बता, बड़ा खुश लग रहा है. क्या नाम है तेरा? नहीं, बाजू वाला सौरभ. सौरभ बहुत खुश लग रहा है आज, क्या हुआ ऐसा सुबह सुबह? हाँ नहीं, बताने लायक नहीं है, ठीक है, नहीं बता सकता यार. तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो? अपन ने पूछा सौरभ बता, हमको पूछा किसी ने? पूछो ना, पूछो रे उससे क्या हुआ, ऐसा खुश क्यों है? सौरभ बता यार. हाँ ओमकार पार्टी दे रहा है, फोर्स कर रहा है तुझे. थ्री सेवेंटी सेवन का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हो ना तुम लोग. ओमकार थे, वो किस तरीके से फोर्स करता है वो पार्टी के लिए. अरे मैं डर गया. हाँ बोलो, कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ऐसे देख रहे हैं कुछ लोग कि ट्यूबलाइट में से कुछ प्रकाश निकलेगा और हमारे को एनलाइटन कर देगा, कुछ नहीं होने वाला। आंसर मुझको कौन देगा आज? अर्पित देगा आंसर। नहीं, अर्पित को देने दो। अर्पित, क्रिएटिव एग्जाम्पल दो रे, नहीं तो एग्जाम्पल तो मेरे पास रेडी है वैसे भी। हाँ दे दो तुम्हारी सड़ी हुई चाय और कॉफी का एग्जाम्पल। ओ लड़की, दो सड़ी हुई चाय कॉफी। हाँ पेट्रोल, हाँ अरे रुक रे, पेट्रोल वेट्रोल फूक दे, इनको क्राइम पेट्रोल करना है देखो यहीं पे। हाँ एलैबोरेट करो, क्या टी कॉफी बोल के छोड़ दोगी क्या? हाँ हाँ दूसरा दे रहे, रुको रुको दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है। लाइव क्लासेस और वर्चुअल क्लासेस, ठीक है। हाँ तुम कहना क्या चाहती हो? ये कहना क्या चाह रही है? लाइव और वर्चुअल के केस में ये बोल रही है कि दोनों में सेम टीचिंग सेम रहती है। हाँ, और हम ज्यादा लूटते हैं लाइव में, वर्चुअल में हम चार लोग मिलकर शेयरिंग करके देखते हैं। हाँ चार लोग मिलकर शेयरिंग करके देख रहे हैं। अच्छा अच्छा प्रजय, मतलब अब उसको क्या बोल सकते हैं अपन? हम कुछ भी वो मीनल पे डाल देते हैं। हाँ एलैबोरेट करो, ठीक है, सही है, एग्जाम्पल सही जा रहा है। और क्या लाइव और वर्चुअल के केस में? ये इतना पार्ट में एग्जाम्पल सुन लिया तुम सब लोगों ने। मैं वर्चुअल वालों को बिगाड़ नहीं सकता, जो ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी वर्चुअल देख रहे हैं। इसने क्या एग्जांपल दिया? जैसे लाइव टीचिंग हो रही है अपनी, उसमें भी सेम कंटेंट डिलीवर होता है। तुम लोग तो कुछ लोग लाइव में भी सिर्फ वर्चुअल देखते हो, इधर ध्यान रहता है तुम्हारा स्क्रीन के ऊपर। तो क्या बोल रही है कि लाइव क्लासेस की फीस ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा लूट रहे हैं इन लोगों को, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, ख्याल नहीं रख रहे हैं, सिर्फ लूट रहे हैं। ऐसे लड़की का कहना है हम 40-40 हजार रुपए इनसे चार्ज कर रहे हैं, वही वर्चुअल में 10,000 रुपए। अरे नहीं रे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये बोल रही है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर ये सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, देन द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे फॉर लाइव क्लास इज ऑल्सो अफेक्टेड। यानी कि अगर अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे अफेक्ट हो जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस ही अफेक्ट हो जाएगा। तो ये बोल रही है सब्स्टिट्यूट अगर उसका अवेलेबल है तो अफेक्ट होगा तुम्हारे कंज्यूमर सरप्लस पे। क्या ये एग्जाम्पल किसी को क्लियर नहीं हुआ अभी? हाँ आदित्य बोलो। मैगी और इप्पी नूडल्स का क्या बोलेगा? प्राइस के एंगल से ना जाते हुए मैगी, इसने एग्जांपल दिया मैगी, और ये पी YIPEE ना, मालूम नहीं, यही होगी स्पेलिंग। ये इप्पी नूडल्स, ये मैगी, मतलब क्या इसमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है? मतलब क्या? द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे, वो डिपेंड करेगा यिप्पी की अवेलेबिलिटी पर। अगर यिप्पी मार्केट में अवेलेबल है तो वो इसके लिए जरूरत से ज्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं है। अगर मान लो ये प्रोडक्ट ही गायब हो जाएगा तो फिर इसकी डिमांड एक्चुअली बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, एंड द पर्सन विल बी रेडी टू पे मोर फॉर दिस पर्टिकुलर कमोडिटी। इट इज डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर भी डिपेंडेंट होता है? लिखा तो नहीं है यहाँ पे पॉइंट। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण कंज्यूमर सरप्लस अफेक्ट हो जाता है, क्या वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर देते हैं अपन तो उसके कारण कंज्यूमर सरप्लस अफेक्ट होगा? सोच के बोला एग्जाम्पल के साथ। हाँ बोल अक्षर। चाय, कॉफी, कार, पेट्रोल दोनों फूंक दो। हाँ पेन और इंक, हाँ बता ये पेन और इंक क्या? जैसे क्या मतलब? क्या तुम्हारे मतलब? हाँ, विनय किधर है? विनय क्या कर रहा है? बुक में क्या ड्राइंग बना रहा है? दिखा ऐसे बुक मुझे। नीचे क्या गोदागादी कर रहा था? नहीं कर रहा था। ठीक है बता, एग्जांपल दे। कार पेट्रोल छोड़ के प्लीज प्लीज प्लीज। बोल रहे कौन बोलता महंगे होते हैं? जाता है क्या तू जो महंगे होते हैं बोल रहा है? पॉपकॉर्न ये कलर के। अच्छा ये मूवी है, इसके लिए कितना पे करने के लिए रेडी हो तुम? 200 के अंदर। कलंक मूवी है ये। 50 रुपए? 1 रुपए नहीं पे करोगे, पर उसके साथ तुम्हें चीज पॉपकॉर्न का टब ये फ्री में दे रहे हैं। आया नहीं, तुम्हारा पोपट हो गया। हाँ उसके साथ ये चीज पॉपकॉर्न का टब दे रहे हैं तुमको। जान से बढ़कर थोड़ी है सर ये पॉपकॉर्न। कलंक ने तुमको सुपर 30 दे दिया। सुपर 30 दे दिया। The amount which you were ready to pay earlier, समझो कितने रुपए? 200 रुपए देने के लिए रेडी थे मैक्सिमम, पर ये पॉपकॉर्न का टब आ गया इसके साथ, जिसकी प्राइस ही 40 लाख रुपए है। पॉपकॉर्न के टब की प्राइस इतनी रहती है। अरे मूवी का टिकट देखो बुक माई शो पर कितने मिल जाता है? 100-150 में मिल जाता है। और पॉपकॉर्न 400-400 का, कोक अरे समोसा 150 का देते हैं PVR के अंदर, ठंडा वो भी अवन में गर्म करके। तो सब्सिट्यूट के कारण भी अफेक्ट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण भी अफेक्ट होता है। समझ में आया? नाउ यू विल बी रेडी टू पे, कितना प्राइस चार्ज कर रहा है वो छोड़ो, बट यू विल बी रेडी टू पे 400 या 300 रुपीज फॉर दिस। अभी कैसे करने का? कोई जाता है फ्रीक्वेंटली मूवी देखने? जाता है कोई? नहीं जाता। कोई जाता था? अच्छा। खाना वाना ले जाना तो अंदर अलाउड नहीं है, तो क्या करने का? बाहर सारस बाग से 30 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदने की और उसको अंदर ले जाने का। अब ले जाने का तरीका क्या है? मैं कुछ थोड़ा ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर मैं मेरा बैग की स्पेशलिटी बता देता हूं। अब ये मेरा बैग है, ठीक है, इसके अंदर ना एक सीक्रेट पॉकेट है जिसके अंदर कुछ भी, कितना भी, मतलब 1 लीटर पानी की बोतल भी आ सकती है। देखो आई विल शो यू। नहीं मैं सिखा रहा हूं तुम लोगों को कुछ चीज, समझो। ये भी आ जाएगा इसमें, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। पैक करके दिखाता हूँ, रुको, नहीं तो बोलोगे ऐसे ले जाना है। बावले हो तुम लोग, और देखो पता भी नहीं चलता। तो तुम्हारे पैसे बच सकते, मैंने बता दिया, कर सकते हो। अब ये बैग आता है 1800 का, ब्रेक इवन कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें। अगर एक मूवी पे तुम 100 रुपए भी बचा रहे हो ये चोरी मारी करके पॉपकॉर्न वगैरह की, खुद का ही खाना ले जा रहे हो, चोरी नहीं कर रहे, तो तुम्हें 18 मूवीज देखनी पड़ेगी, फिर बैग फ्री हो जाएगा। तो सोच लो ले जा सकते हो, नहीं पकड़े जाते। अरे उसके अंदर 4 बर्गर भरे थे, तो भी कोई नहीं पकड़ सकता। चल भाई नेक्स्ट। इन केस ऑफ नेसेसरीज कंज्यूमर सरप्लस इज इनफाइनाइट सिंस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट फ्यू यूनिट आर इनफाइनाइटली लार्ज। कौन है कोल्हापुर से भाई? यहाँ पे कोल्हापुर। अभी कोल्हापुर में फ्लड आए, ठीक है, प्रॉब्लम हुई। अब उस केस में अगर मान लो 200 रुपए किलो या नहीं 300 रुपए 400 रुपए किलो भी शक्कर बेच रहे तो लोग लेंगे। इनफैक्ट पीपल आर रेडी टू पे मोर देन दैट ऑल्सो। तो जहां पे अपनी मजबूरी आ जाती है, नेसेसिटीज का केस आ जाता है, वहां पे कंज्यूमर सरप्लस लार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे इज मच मोर इन केस ऑफ नेसेसिटी। और इसका एग्जांपल मेडिसिन भी ले सकते हो तुम। समझा क्या रे? Concept of consumer surplus does not apply in case of prestigious items such as diamond and gold. ये क्या बोलता है? The amount which a person is ready to pay minus the amount which he actually pays. इसके अंदर consumer surplus का concept आता ही नहीं है। Consumer surplus का concept prestigious goods के केस में diamond, gold, silver, jewelry इस केस में आता नहीं है। अब ये जो तुमको एक बात बता देता हूँ, ये prestigious item है ना, ये हर कोई भी तुम लॉ पकड़ लो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कुछ भी पकड़ लो, सबका एक्सेप्शन है। तो बिंदास एक्सेप्शन में डाल देने का इसको, ये प्रेस्टिजियस गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है, इट इज अज्यूम्ड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अपन ने क्या बोला था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने के लिए अपने को कार्डिनल अप्रोच लेना पड़ेगा। वापस से रिकॉल करवाना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझने के लिए लॉ ऑफ क्या बोल रहा मैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझने के लिए कार्डिनल अप्रोच यूज करना पड़ेगा। और कार्डिनल अप्रोच क्या है? बेसिकली नंबर्स में मेजर करते हैं, और नंबर्स में ही नहीं, सिर्फ रुपीस में भी मेजर करते हैं। अब मनी को एज अ कांस्टेंट वैल्यू रखा गया क्योंकि उसकी मनी की मेजरिंग पावर कांस्टेंट रहती है, ऐसा अज्यूम किया गया। पर ये बोल रहे दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज कांस्टेंट इज रॉन्ग। अब इसका रीजन समझो। कार्डिनल अप्रोच के अंदर अपन यूटिलिटी मेजर करते हैं बेसिकली नंबर्स में, और नंबर्स में ही नहीं, अपन मनी में मेजर करते हैं। मनी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं होता है। तो उन्होंने क्या बोला? इसको कांस्टेंट अज्यूम करो। कांस्टेंट होनी चाहिए थी ऐसा अज्यूम करवाया, पर एक्चुअली वो कांस्टेंट भी नहीं होती। देखो क्रिटिकल जा रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से मनी इज अ कमोडिटी। तो जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे तुम मनी को, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरनी चाहिए। तो वो लॉ ब्रीच हो रहा था। तो उन्होंने क्या बोला? लेट्स कीप द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट। बट द फैक्ट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। अब कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होता है क्या मनी के केस में? तुम बताओ क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? एज वी कंज्यूम मोर कमोडिटी, हमारी जो इंटेंसिटी है वो गिरती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है। ठीक है, क्या ऐसा पैसे के केस में होता है? जब हम खर्च करते जाते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं पैसे को, तो एडिशनल पैसा खर्च करने की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इन्होंने बोला कांस्टेंट नहीं, इनफैक्ट ये रिवर्स है। जितना पैसा तुम खर्च करोगे, तुम्हें उतना ज्यादा पैसा अक्वायर करने की इच्छा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे समझो पॉकेट में 10 लाख रुपए, और तुम उसको कंज्यूम करते जा रहे हो, खर्च करते जा रहे हो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है? तुम्हारी मनी को यूज करने की इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। पर ऐसा तो होता नहीं है, इनफैक्ट मनी अक्वायर करने की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो यहां पर इन्होंने जो एक लॉ अज्यूम किया था, जो एक एक्सेप्शन था, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इट्स इटसेल्फ रॉन्ग। ये लिमिटेशन है उसका। पहले तो बोला कि डिमिनिशिंग एप्लीकेबल होना चाहिए, फिर बाद में बोला नहीं, डिमिनिशिंग भी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट कर दो। बाद में बोला कांस्टेंट भी गलत है। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने 3 चीजें एक साथ बोल दी। पहले बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस पे अप्लाई करो, फिर बोले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करने गए तो हमारा पूरा का पूरा लॉ ब्रीच हो रहा है, इसलिए इसको कांस्टेंट रख लो। फिर उसके एक्सेप्शंस में गए, लिमिटेशंस में गए, तो वहां पे पता चले जो कांस्टेंट रखने का अजम्पशन था ये भी गलत है, क्योंकि वो कांस्टेंट है ही नहीं, ना ही वो डिमिनिशिंग है, ना ही वो कांस्टेंट है, इनफैक्ट वो इंक्रीजिंग है। जितना ज्यादा खर्च करते जाओगे पैसे को, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तुम्हारे मन में पैसे को अक्वायर करने की। मालो जी समझा? देखो, इट इज अज्यूम्ड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, व्हिच इज अनरियलिस्टिक, एज मोर परचेसेस आर मेड एंड कंज्यूमर स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिशेस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑल्सो चेंजेस। पानी है किसी के पास? अगेन इसके 6 एक्सेप्शंस क्या है? पहला कंज्यूमर सरप्लस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच. दूसरा, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली. तीसरा, कंज्यूमर सरप्लस इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. यहाँ पे लिखा नहीं उन्होंने. इन केस ऑफ नेसेसिटीज कंज्यूमर सरप्लस इज वेरी लार्ज. अच्छा, ये इसका लिमिटेशन है क्या? तुम बताओ. पॉइंट नंबर 4 जो है, क्या ये कोई लिमिटेशन है कि ये फैक्ट है? टेल मी, इज इट अ लिमिटेशन और अ फैक्ट? इट इज जस्ट अ फैक्ट. उन्होंने लिमिटेशन में डाल रखा है. द कंसेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस आइटम. एंड लास्ट, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. ये भी एक लिमिटेशन है इसका. वेदांत समझा? देख लो अब बाकी का पूरा अपना कार्डिनल अप्रोच खत्म हुआ. तुम देखो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ. क्या मेजर प्रिसाइसली? मेजर प्रिसाइसली मतलब एक्यूरेटली मेजर करना डिफिकल्ट है. अभी कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे माइनस द अमाउंट विच ये एक्चुअली पे. ये टीवी के तू कितने रुपए देने के लिए रेडी है? द अमाउंट विच यू आर रेडी टू पे. हाँ, 20,000. 21,000 में देने के लिए रेडी है. लेगा क्या? नहीं लेगा. कितना पे करेगा वेदांत इसके लिए? 25. 26 में देने के लिए रेडी है, ले लेगा. देख, 25 इसने अपना बजट बोला था, पर खींचते खींचते इसने 26 में भी हाँ बोल दिया. नाउ द अमाउंट विच अ पर्सन वॉज रेडी टू पे 25,000 था, बट द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे 26 हो गया. तो इसको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. एक समय इसने सोचा 25,000 की यूटिलिटी मिलने वाली है, इसलिए 25,000 में खरीद लूंगा. उसके अगले मोमेंट इसने बोला शायद 26,000 की यूटिलिटी भी मिल जाए, थोड़ा ज्यादा यूज कर लेंगे. तो वही मेजर करना प्रिसाइसली पॉसिबल नहीं है. एग्जैक्टली कितना यूटिलिटी मिलने वाला है वो पॉसिबल नहीं है. समझा? समझा सत्वा? हर्षल? हर्षल, वो प्यार से हर्षल बुलाती है क्या? क्या बुलाती है? अक्षु. तू घर पे लेट पहुंचता है, उससे पहले मेरे को लगता है ये लोग होके आते हैं जरूर, क्योंकि इनको मालूम है अक्षु बुलाती है, वो तुझे सारी चीजें इनको मालूम है. तभी तो कहूं मैं, ये नमन इतने नशे में क्यों दिखता है? अलग शौक है उसके. पार्स देखो पीछे छोड़ दिया इसने. सोनाली खास रही है सोनाक्षी, इसका मतलब ये है कि पार्थ इससे भी बड़े नशे करता है. आचल लेट आई आज, क्यों? बस ऐसे ही नाश्ता करना था सर, आज तिलक के पोहे खाने का मन था. बड़े और बड़े शौक तुम्हारे. हाँ, क्या क्या करता है फोन में? कवर के अंदर डालता है. कवर के अंदर, फोन के कवर के अंदर वो कुछ तो भी डाल के आकर सूंघता है. क्या डालता है ये नहीं मालूम भाई. महंगे नशे हैं उसके. तुम क्या समझोगे? शरीफ लड़की बनने की कोशिश कर रहे हो. पार्थ को ना मैं एक ही बार में समझ गया. जब भाई ने एग्जाम्पल दिया था एक, मैंने बोला ये लेवल तो हमारा भी कई बार बोलने का मन करता है पर नहीं बोल पाते. चलो, नेक्स्ट इज ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है टू मेजर द यूटिलिटी, टू मेजर द सेटिस्फैक्शन विच यू हैव गेन्ड इज नॉट पॉसिबल इन कार्डिनल नंबर. उसको मेजर करना कार्डिनल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है. अब तुम्हें ये टीवी को देखकर या किसी इंसान को देखकर, किसी स्त्री को देखकर, किसी पुरुष को देखकर कितनी संतुष्टि मिलती है तुम पैसे में कैसे बता सकते हो? हाँ, तुम्हारे सामने यहाँ तुम लोगों की फेवरेट दिशा पटनी खड़ी है, तुम बोलोगे मेरे को 300 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तुझे देख के. अरे एग्जाम्पल दिया, मेरे को 3000 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वाह वाह क्या लग रही है. ऐसा होता है क्या तुम लोगों के साथ? और तुम लोग भी लड़कियां, शाहिद कपूर यहाँ पे खड़ा तुम्हारे लिए जो भी है नहीं, फिर हाँ बोल दो प्रेफरेंस क्या है तुम्हारी। शाहरुख खान, पिंक कलर का शाहरुख खान खड़ा है, फिर रेमो डिसूजा का, रेमो डिसूजा सीरियसली, क्रिस हेम्सवर्थ खड़ा है, क्या नहीं नहीं वो ये अपने कैप्टन अमेरिका का नाम क्या है, क्रिस इवेंस, क्रिस इवेंस खड़ा है, मालूम क्या नहीं, ये देसी स्पाइडरमैन देखती, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन वाले। तो तुम मूवी किसकी देखती हो रे, मतलब क्या। अच्छा ना ये हॉलीवुड मूवी देखती है, ना ये बॉलीवुड मूवी देख रही है, अरे मराठी मूवी देखती रहे, हाँ क्या तमिल देखती क्या तुम, कन्नड़, भोजपुरी, लगा ले तू क्या, लगा ले तू लिपस्टिक, हिले ले ज़्यादा डिस्टिक, जिला टॉप ला खेल। हाँ कोई हीरो पसंद है, कोई हीरो, हाँ सनी देओल, अरे भाई देओल, सनी देओल पसंद है उस लड़की को, वो लड़की है उसको सनी देओल पसंद आएगा, सनी देओल पसंद है उसको बहुत ज्यादा। अब सनी देओल को देखकर तू बोले ओहो 500 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल गया, ओहो 2.5 किलो का हाथ सनी भाई का, ऐसा होता है क्या अमृता, नहीं होता है। फिर तू सारा जो 2-3 दिन से अपन कार्डिनल पढ़ रहे सब बकवास है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है देखकर लेकिन मेजर नहीं कर सकते उसको, हाँ पर रैंक तो कर सकते हैं। हाँ देखो आवाज आई, यहां पर दिशा पटनी खड़ी है और यहाँ पे सनी देओल खड़ा है। अब मुझे लड़के लोगों तुम बताओ तुम रैंक किसको ऊपर दोगे, अगर तुम सनी देओल को दे रहे हो तो भाई दीवारें रहती, तुम्हें मालूम है तुम बस से जब जाते हो दीवारों पर लिखा रहता है गुरुवार को मिले वैद्य से। अगर मान लो सनी को देखकर तुम्हें कुछ हो रहा है तो वो दीवारों को पढ़ लो, उस पे नंबर लिखा रहता है वैद्य राज तुमको मिल जाएंगे गुरुवार को बस स्टैंड के पीछे वाली क्लिनिक में उनके। और लड़कियों अगर तुम्हें कौन थी दिशा पटनी को देखकर वो फीलिंग आ रही तो भाई कुछ प्रॉब्लम है, जाके इलाज करवाना पड़ेगा। ओके तो मैं क्या बोल रहा था कि हम रैंक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शिवराज से पूछा जाए शिवराज दोनों में से किसको रैंक करेगा पहले, नहीं रुको शिवराज से नहीं पूछते हैं, किसी शरीफ इंसान को बिगाड़ा जाए, कौन चेयर, कौन प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत एक बात बता, यहां दिशा पटनी खड़ी है उसके बाजू में कैटरीना कैफ खड़ी है, कमली कमली नाच रही है तेरे सामने और अरे तो क्या हो गया, अभी इसके अंदर डांस भी नहीं कर सकती लड़कियां। और इधर सनी देओल खड़ा है यारा ओ यारा डांस कर रहा है वो। अब बता किसको रैंक करेगा सबसे पहले, क्या हो गया कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, तीनों पसंद नहीं आते। प्रशांत चलो कोई दूसरे शरीफ को बिगाड़ा जाए, युक्ता शरीफ हो, हाँ युक्ता किसको रैंक करोगी सबसे पहले। एक तो सर ऐसा बेकार सा नाम दिया आपने हमको, चॉइस में कुछ दिया ही नहीं अमृता, बराबर है कि नहीं। अच्छा इधर वो खड़ा है अपना टोनी स्टार्क, क्या है उसका नाम, रॉबर्ट डाउनी जूनियर खड़ा है, ठीक है वो खड़ा है। दूसरी तरफ वो मालूम है क्या तुम्हें, ओम प्रकाश मिश्रा मालूम है, ओम प्रकाश मिश्रा खड़ा है, अरे रुक जा रे, एक ओम प्रकाश मिश्रा खड़ा है और तीसरा वो क्या नाम है रे वो, हाँ नहीं हिंदुस्तानी भाव नहीं रे, अरे वो है ना जो राखी सावंत के साथ बीच में आ रहा था शादी करने के लिए, दीपक कलाल। टोनी स्टार खड़ा है, दीपक कलाल खड़ा है और तीसरा कौन था अपना, ओम प्रकाश खड़ा है। रैंक करो इन्हें। चलो अभी अपन युक्ता की प्रेफरेंस बता रहे हैं। बोलो हाँ ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? बताना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। बताओ बताओ सेकंड प्रेफरेंस किसको दोगी? दीपक कलाल, दीपक कलाल को दोगी या कौन था अपना ओम प्रकाश? ओम प्रकाश मालूम तुमको? नहीं दोगी। तो ये मैडम ने रैंकिंग दे दी बेसिकली। इसने रॉबर्ट को सबसे पहली रैंकिंग दी, दूसरी रैंकिंग दी ओम प्रकाश को, और तीसरी दी दीपक कलाल को। ठीक है, रैंकिंग दी। अब ये हो सकता है इनकी रैंकिंग नेगेटिव में चली जाए, पर इन तीनों में से इसने रैंक किया। अब मैं यही लड़की से पूछूं तो ये सबसे पहले ओम प्रकाश को रैंकिंग दे रही है, बाद में बोल रही है दीपक कलाल, और तीसरा बोलती है कौन है रॉबर्ट? नहीं मालूम होगा ना? मालूम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको रॉबर्ट को देखकर, या आपने आयरन मैन बोलना बेटर है, आयरन मैन को देखकर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ओम प्रकाश को देख के भी मिलता है लेकिन थोड़ा कम, और दीपक कलाल को देख के भी मिलता है थोड़ा कम। हाँ, पता नहीं इन लोगों ने क्या सोच लिया। ऋतुजा बिगड़ गई। ये जनरेशन खराब है, प्रॉब्लम इस जनरेशन की है, समझ रहे हो? बोलती हाँ जो बोलोगे मान लूंगी। ओके, सो द पॉइंट वाज, सी द पॉइंट वाज, क्या नाम है तेरा? सौरभ। सौरभ, पॉइंट ये था कि उसको ओम प्रकाश कम पसंद है। पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि टू मेजर द यूटिलिटी वी वर यूजिंग द कार्डिनल नंबर्स। पर कार्डिनल नंबर बोलता है कि यार तुम्हें अमाउंट में क्वांटिफाई करना पड़ेगा, वैभवी क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली तुमको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, पर दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दूसरा अप्रोच आया, दूसरा अप्रोच बोलता है वी विल मेजर द यूटिलिटी बाय रैंकिंग देम। जिसमें हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है हम उसको ग्राफ पे ऊपर प्लॉट कर देंगे, जिसको कम जिससे कम यूटिलिटी मिल रही है उसको कम रैंकिंग दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ ग्राफ, ग्राफ से ज्यादा एक टेबुलर फॉर्म में दे देता हूं। किसी को पाव भाजी पसंद है, कहां गई वो लड़की? फिर पानी पूरी पसंद है, और क्या? डोसा। अरे डोसा पसंद क्यों लिख दिया मैंने? मिड भी नहीं रहा। पानी पूरी बहुत हाइजीनिक रहती, मालूम तुम लोगों को? कहाँ गई वो लड़की? हाँ, बहुत हाइजीनिक रहती है। हाँ प्लीज मत उसका डायसेक्शन नहीं करूं मैं, ठीक है? आगे खोल दूंगा, बंद कर देंगी खाना सब। यहाँ पे किस किस को पसंद है पानी पूरी? यहाँ पे ठीक है, बहुत लोगों को पसंद है इसलिए बख्श रहा हूं तुम लोगों को, नहीं तो पूरा खेल बता दिया होता, बंद कर दिया होता तुमने हाथ से ही खाना। हाँ हाँ, तो फिर सुनने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं बता रहा मैं, नहीं रे। हाँ देखो, पानी पूरी किसी को सुनना है? पानी पूरी का प्रथमेश ने ना बोल दिया, और वो सज्जन लड़का इसलिए मैं बता नहीं रहा। बाकी ज्यादातर मैंने देखा है पानीपुरी वाले खड़े कैसे रहते हैं, ठेला रहता है, जाने दो अभी, जाने दो, मैं बताना भी मेरे को सही नहीं लग रहा। चलो ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में अपन पढ़ते रहने दो, काफी लोग छोड़ देंगे खाना पानी पूरी, डेफिनेटली रहने दो, गाली मारोगे तुम लोग मुझे। वो पानी पूरी वाला एग्जाम्पल भी जाने दो, मेरा दिमाग उसमें चला जाएगा, और मैंने वो एग्जाम्पल लिया कि मैं बता दूंगा तुम लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ बता दूं? ये मना कर रही है। देखो अपन रेजोल्यूशन पास करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। 75% अगर क्राउड बोलता है हाँ तो हाँ, और ना कितने लोग बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 10 के अंदर, 11 10 11। तुम कान बंद कर सकते हो तुम लोग, छोड़ो। ऑर्डिनल अप्रोच पे आ जाते हैं। अरे नहीं रे, ये लोग खाना छोड़ देंगे। हाँ अभी पानी पूरी वाला खड़ा कैसे रहता मालूम क्या तुम लोगों? ऐसे हाथ उसका ऊपर रहता है, वो ध्यान दो, अभी देख ही रहे हो तो ध्यान दे लो। उसका चालू रहता है, कंटिन्यूअसली चालू रहता है। हाँ फिर देखो यार, पानीपुरी वाला तुम देखो, बेचारा ऐसे बाहर खड़ा रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, खुजली होना थोड़ा सा आम बात है इंसान को, पसीना भी आता है गर्मी में बहुत ज्यादा। उधर से दीदी आती है, वो ऐसे हाथ पोंछ लेता है, दीदी को खिलाना चालू कर देता है, और दीदी बोलती है आज कुछ टेस्ट अलग आ रहा है इसके अंदर, ये पानी पूरी मसाला पूरी कैसे बन गई यार। तो छोड़ दो तुम खाना, वहां पे खाया करो जो थोड़ी सी नहीं है कोई जगह क्लीन। ये 20 रुपए का मंचूरियन कितने लोगों ने खाया? मैंने भी खाया, 20 रुपए वाला मंचूरियन खाया क्या तुम लोगों ने? आह क्या सफाई से बनता है, वाह रे वाह, इतना प्यार से बनता है वो। पहले मैं भी खाने का, वाह यार महंगाई किधर है, मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, 20 रुपए मंचूरियन मिल रहा है, वो भी 8-10 पीस। फिर बाद में मैंने बनते हुए देखा कि वो पत्ता गोभी लेते हैं, कट 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 काटते जाते हैं, इधर से कीड़ा भी आया वो भी कट 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 कट, फ्लेवर्स आते हैं भाई, फ्लेवर्स ऐसे ही तो फ्लेवर्स होते हैं। और उसके बाद जनरली ये लोग हाथ धोते नहीं है, कुछ भी करके आए, कर्म कुछ भी करके आए, लोग हाथ धोते नहीं है। टेस्ट अपन बोलते हैं हर बार, टेस्ट क्यों चेंज होते जा रहा है इस चीज का? भयंकर गंदा रहता है, नहीं खाने का बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। और तो मैंने कुछ एक्शन यहाँ पे करके बता नहीं सकता जो मैंने देखे मैं लोगों को करते हुए। अभी तुम देखो, कई बार पानीपुरी वाले के पास जाते हो तुम लोग और बोलते हो लड़कियां, भैया किधर हैं? तो फिर एक छोटू रहता है, वो बोलता है हाँ गए हैं, वो 2 मिनट में आते हैं। अब वो भैया गए किधर रहते, कभी सोचा है? देखो इट इज अ नेचर्स कॉल, तुम लोग भी जाते हो, हर कोई जाता है, हर कोई जाता है अभी। लेकिन ये लोग ना इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। सेव वाटर, ठीक है, सेव वाटर, पानी बचाना चाहिए। मैंने कुछ बोला गलत, अक्षत मैंने कुछ गलत बोला? वो आया कुछ तो भी करके, जो नेचर का कॉल था जिसके अंदर उसकी गलती नहीं थी, वो आया। अभी पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, मोदी जी ने तो इस बार कहा है 15 अगस्त को, हाँ तो थोड़े हाथ गीले, पोंछ गया, खत्म, खाओ। अब तुम मेरे को गाली दे रहे हो अंदर से, पर तुम लोग ये खा रहे थे। छोड़ दो ये सारी चीजें खाना, खाना है तो ज्यादा पैसे दो, हाइजेनिक खाओ, हफ्ते में एक बार जाओ, हर रोज उठ के यहाँ पे खड़े हो जाते हो भैया पानी पूरी नहीं चलता, ये सारी चीजें। वो प्याज भी नहीं धुलता, कुछ भी नहीं धुलता। देखो क्रेविंग होती है, तुम तो घर पे बनाती हो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अमृता घर पे बनाती है, खिला देगी तुम्हें। किधर रहती हो तुम? पास में, खत्म, सॉर्टेड। खाया मत करो ये बाहर की चीजें। कहाँ थे अपन? पानी पूरी पे। अब वो 5 रुपए की कौवा बिरयानी याद है क्या तुमको? बस सेम होता है अपने साथ। कौवा बिरयानी नहीं मालूम? मालूम ही क्या दुनिया में। ठीक है चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच, श्रेयस, ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि टू मेजर द यूटिलिटी इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई देम, बट इट इज पॉसिबल टू रैंक देम एंड गिव देम प्रेफरेंसेस और चॉइसेस। तो जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है उसको टॉप रैंकिंग देंगे, जो कम पसंद है उसको मिडिल रैंकिंग देंगे, जो नहीं पसंद है उसको रैंकिंग नहीं देंगे या तो लीस्ट रैंकिंग देंगे। ये अप्रोच दिया था हिक्स और एलन ने। हिक्स एंड एलन दो लोग थे, दो साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अप्रोच डिजाइन किया। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिक्स एंड एलन अप्रोच। अच्छा मुझको बताओ कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। ये अप्रोच दिया है हिक्स एंड एलन में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिक्स एंड एलन अप्रोच। छोटा सा इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, खत्म हो जाएगा अभी। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व समझ लो क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व इज बेसिकली बेस्ड ऑन रैंकिंग। क्या क्या एग्जाम्पल है? इंडिफरेंस कर्व होता क्या है सबसे पहले ये समझ लो। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। Indifference curve is a curve which contains combination of two commodities. अब combination कैसा होता है? Let's say there is commodity X and Y. you like X, you like Y as well. तुम रैंकिंग कर सकते हो, तुम्हें जिसमें से जो पसंद है तुम इसके हिसाब से रैंकिंग कर सकते हो. लेट से देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5x and 1y. That means if you get 5x plus 1y, तुम्हें एक satisfaction derive होता है, जो भी satisfaction जिसको अपन quantify नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे तुम्हें satisfaction derive हो गया. Now ये 5x की जगह अगर तुम्हें 4x दे दिए तो तुम क्या बोलोगे? I need 1.5y. अगर मुझे 4x प्लस 1.5y मिल गए तो भी मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. फिर तुमने बोला इफ आई गेट 3x एंड 2y मुझको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. इफ यू से आई गेट 1x एंड 3y अगेन आई विल गेट सेम सेटिस्फेक्शन. सो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दिस इज गिविंग यू इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड व्हेन दिस इज प्लॉटेड ऑन ग्राफ तुमको एक इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा. सो एक इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ रहेगा, इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ पे एक प्लॉटेड कर्व है विच रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव्स यू इक्वल सेटिस्फेक्शन. तो पहली कमोडिटी कौन सी? अपनी x और y, 5x एंड y. लेट्स से यहां पर ये 5x है, ये 4x, 3x, 2x, 1x, y, 1.5y, 2y, 3y. पहला कॉम्बिनेशन अपना बन रहा है 5x एंड y, 5x एंड y यहां पर कहीं. दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है 4x 1.5y, 4x एंड 1.5y यहां पर कुछ. फिर बन रहा है 3x एंड 2y कुछ यहां पर, और लास्ट बन रहा है यहां पर. लेट्स से सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन. ध्यान से सुनना, दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज which gives you equal satisfaction. If I name this point A, B, C, D, then point A and point B, both of them will give you same satisfaction. असर same satisfaction मिल क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये, जब तुम 5x plus 1y consume कर रहे थे तो तुम्हें let's say एक satisfaction मिल रहा था. Let's say 5 slices of pizza consume कर रहे थे और 1 burger, तो भी तुम्हें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था. अभी तुमने क्या किया? एक स्लाइस कम कर दी. अगर तुम थोड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो तो तुम्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए हाफ बर्गर बढ़ा के मिल गया. तो यहां पर जो तुमने लॉस, जो सैक्रिफाइस किया, वो यहां पे कॉम्पेंसेट हो रहा है, तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन इक्वल है. अब जैसे तुमने एक और स्लाइस का कॉम्प्रोमाइज किया, तुम्हें बर्गर बढ़ा के मिल गया. तो इस तरीके से तुम्हारा सेटिस्फेक्शन कॉन्स्टेंट रहेगा. समझ में आया ये चीज? नाउ द क्वेश्चन इज there is one combination of 5, ये एक कॉम्बिनेशन है, और दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, which one is going to give you satisfaction? क्या दोनों सेम satisfaction देंगे कॉम्बिनेशन या अलग अलग satisfaction रहेगा? आंसर में अलग अलग क्यों आएगा? ये भी तो चेंज हो रहा है, बर्गर भी चेंज हो रहा है, पिज्जा भी चेंज हो रहा है, फिर क्यों सेम अलग आ रहा है? दोनों ज्यादा आ रहा है. यहां पर क्या हो रहा था? बेसिकली देयर वाज अ सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यहां पे तुम जब सैक्रिफाइस कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, कंपेंसेट करने के लिए तुम्हें दूसरी कमोडिटी बढ़ाकर मिल रही थी. बट इन दिस केस तुमने कोई कॉम्पेंसेट करने के लिए तुमने सैक्रिफाइस किया ही नहीं, इनफैक्ट तुमको तो क्वांटिटी भी बढ़ाकर मिल गई. इन दिस केस this combination is going to give you higher satisfaction, और ये ग्राफ ऊपर रहेगा उसके. This will be a new point. Let's say E point represent कर रहा है ये. This is going to give you more satisfaction. But any point lying on an indifference curve, कहाँ गया? ये ऊपर नीचे, हाँ. Any point lying on indifference curve is going to give you same satisfaction. Any indifference curve above the original indifference curve, any इंडिफरेंस कर्व, ये वाला अगर अपन इसको मान लो C1 बोल देते हैं, कर्व 1, और इसको C0, एनी कर्व अबव द ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व इज गोइंग टू गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन. एनी कर्व बिलो द ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू लेसर सेटिस्फेक्शन. कैन टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर? क्यों नहीं कर सकते? देख, ये पॉइंट x है, ये y है, ये z है, ये k है. तो पॉइंट A, B, C और D तो सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। पॉइंट एक्स वाई जेड और के ये सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम क्या है? कौन से सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है? इक्वल सेटिस्फेक्शन। हाँ, पॉइंट ए रिप्रेजेंट, सुनना, पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, पॉइंट बी ऑल्सो रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन, एक कोई तो भी अलग कॉम्बिनेशन है, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी। The combination A, combination B, combination C or combination D gives you equal satisfaction because all of them are lying on same indifference curve. In fact, वो same satisfaction देख रहे हैं, इसीलिए वो एक single indifference curve पे हैं। Now point E, F, H, E, F, C, H, ये भी एक indifference curve है। Indifference curve below the original indifference curve will give you lesser satisfaction। तो जो E कॉम्बिनेशन है, F कॉम्बिनेशन है, इन्होंने कम सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, पर E इज इक्वल्स टू C है, सेटिस्फेक्शन ऑफ E इज इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ C है, ऐसा बोल रहा है। एंड C इज इक्वल्स टू A, C, A इज इक्वल्स टू C, करेक्ट है, E इज इक्वल्स टू C, बट A इज ग्रेटर देन E, Therefore, यहां पर इंटरसेक्शन पॉसिबल है। मैथमेटिकली अगर किसी को समझ में आ रहा है, मीनल समझ में आया मैंने क्या बोला? एनी पॉइंट लाइंग ऑन अ इंडिफरेंस कर्व इज गोइंग टू गिव यू इक्वल सैटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व अबव द ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू मोर सैटिस्फैक्शन बिकॉज इट कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लार्जर कमोडिटी, मोर कमोडिटी। एनी पॉइंट बिलो द इंडिफरेंस कर्व, ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व इज गोइंग टू गिव यू लेसर सैटिस्फैक्शन बिकॉज इट विल रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेसर कमोडिटीज। इन दोनों का इंटरसेक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन ए इज इक्वल्स टू सी एंड ई इज इक्वल्स टू सी, देयरफॉर ए शुड बी इक्वल्स टू ई, पर हमने प्रूव किया है द कर्व व्हिच इज बिलो द ओरिजिनल कर्व इज गोइंग टू गिव लेसर सैटिस्फैक्शन। सो मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ग्राफिकली भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। तुमसे इतना ही पूछा जाएगा, कैन इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, वी हैव टू से नो। चलो खत्म करते हैं इस पॉइंट को, इनफैक्ट टॉपिक को ही खत्म कर देते हैं। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस अजम्पशन, पहला है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। इनडिफरेंस कर्व सिर्फ ऑर्डिनल में ही यूज होता है, क्यों? क्योंकि इनडिफरेंस, अच्छा इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? हम डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वी आर इनडिफरेंट, दोनों में से कोई भी चॉइस हम अवेल कर लेंगे। सो यहाँ पर इनडिफरेंस कर्व, हियर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्डिनल नंबर्स, इसलिए कार्डिनल अप्रोच में इनडिफरेंस कर्व यूज नहीं होता है। इनडिफरेंस कर्व अप्रोच इज यूज ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट। दिस मीन्स दैट यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल इन मॉनिटरी टर्म। ट्रू, ये ट्रू है स्टेटमेंट या गलत है? निकिता, ये जो पहला स्टेटमेंट है मुझको गलत लग रहा है। सर आपको गलत लग रहा है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका ओपिनियन है, नहीं बताओ उसमें सही क्या है। विनय, विनय बताएगा, तेरा टाइम आ गया, बता। निकिता डिस्चार्ज नहीं है, हाँ बोलो। मेजर कर सकते हैं, हाँ मैं भी वही बोल रहा हूं, कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? प्रशांत बता। हाँ, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये भी बात। वो तो यार हम कार्डिनल में भी जा रखे सेम चीज बोलते थे, इट इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी सब्जेक्ट, यूटिलिटी इटसेल्फ इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। मैं पूछ रहा हूं तुमसे एक सिंपल चीज कि दिस मीन्स दैट यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल इन मॉनिटरी टर्म, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये सही है या गलत है? सही है। क्यों सही है अब ये बताओ प्रशांत। आंसर इसने दिया, सही आंसर दिया, इसने बोला जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको पैसे में कैसे मेजर करेंगे, यही तो ऑर्डिनल अप्रोच का बेस है। बेस ये नहीं है कि ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी तो वैसे भी सब्जेक्टिव है, चाहे कार्डिनल हो चाहे ऑर्डिनल हो, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ये यहां पर बोला जा रहा है कि पैसे में मेजर करना डिफिकल्ट है। सेम जो लिखा है वही बोलना था तुमको। A person can express satisfaction derived from consumption of a commodity in relative or comparative terms. ये क्या बोल रहे हैं कि बंदा बता सकता है कि उसको क्या पसंद है और कंपेयर भी कर सकता है which one is better than other. इस तरीके से कंपेरेटिव बेसिस पे बता सकता है, पर कितने रुपए का पसंद है ये नहीं बता सकता। समझो मैं खड़ा हूं, रोहन सर खड़े, अभी तुम बोलोगे कि रोहन सर हमें 100 रुपए के पसंद है, आदित्य सर 4 आने के पसंद है, कुछ भी ऐसे बोलना पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या ज्यादा सादा बोल सकते? रोहन सर पसंद है, आदित्य सर नहीं पसंद है, ऐसे बोलना फिर भी पॉसिबल है। समझ में आया? आगे कंसिस्टेंसी ऑफ रैंकिंग, इसका मतलब है, वहां पे देखने की जरूरत नहीं उन्होंने क्या लिखा है, जगह मिल नहीं रही। इफ यू प्रेफर पेप्सी ओवर कोक and you prefer coke over 7 up, तुम्हें पेप्सी पसंद है कोक से ज्यादा और कोक पसंद है 7 अप से ज्यादा। इनफैक्ट इसका यही मीनिंग हो गया कि तुम्हें पेप्सी ज्यादा पसंद है ओवर 7 अप। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे पेप्सी ज्यादा पसंद है कोक थोड़ी कम पसंद है, ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा बोलते हैं कोक ज्यादा पसंद है 7 अप से, लेकिन जब मैं पेप्सी और 7 अप की रैंकिंग करने चले जाऊं तो मैं 7 अप को सिलेक्ट कर लूंगा। नहीं है पॉसिबल, इरेशनल। अभी जैसे कि हमें रोल्स रॉयस पसंद है जैगुआर के कंपैरिजन में, जैगुआर पसंद है JAGUAR, जैगुआर पसंद है 800 के कंपैरिजन में, मारुति 800। अब ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 800 पसंद है रोल्स रॉयस के कंपैरिजन, बोलना पॉसिबल है क्या? अनलेस यू आर बावला, पागल। इसलिए उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में लिख कर दिया कि लोग पागल है, इसलिए उन्होंने लिख के दिया रैशनल कंज्यूमर। बोलेंगे हमें साबुन की डब्बी पसंद है, मारुति 800 है क्या? चपटी सी साबुन की डब्बी तो है, अभी आजकल देखो कितनी छोटी सी दिखती है, हमारे पास भी थी लेकिन अभी कितनी छोटी सी दिखती है, अभी आती है तो देखिए क्या 800 है अभी भी किसी के पास है? देखिए रिसेंटली सड़क से तो गायब ही हो गई, वो हवा तेज आती है पलट जाती है, उससे ज्यादा नैनो पलट जाती है, नैनो ऐसे चलते चलते उल्टी होकर सीधा भी हो जाती है। नैनो का बहुत इशू है, नैनो भी है हमारे पास, नैनो है, 2-4 और गाड़ियां हैं। पप्पा का पैसा है रे, हाँ है, पैसे के लिए मैंने कभी मना किया? मैंने कभी बोला मेरे को पैसा चाहिए? कब बोला मैंने? हाँ कब बोला? नहीं, मैं बहुत ज्यादा पैसे के लिए कमा रहा हूं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं कमा रहा मैं, बहुत ज्यादा पैसे, मतलब कार वार लेना तो पुरानी बात हो गई, खुद का एक प्लेन होना चाहिए कि नहीं, वो छोड़े एक आइलैंड होना चाहिए कि नहीं, एक दिन आज से 10 साल बाद इतना कमा के एक आइलैंड परचेस करते लायक तो होना चाहिए। नहीं जिंदगी में किया क्या अपन ने बताओ? हाँ गाड़ी तो आजकल कोई भी खरीद लेता है, तो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं, बहुत ज्यादा पैसे के लिए काम करना है। लेकिन बहुत ज्यादा पैसे के लिए बहुत ज्यादा भी काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा पैसे के लिए स्मार्टली कुछ करेंगे, रैंक्स लाएंगे अपन, उम्मीदें हैं तुमसे। तो मेरा आइलैंड तुम लोग ही खरीदवा सकते हो, ठीक है, तुम लोगों को रहने दूंगा वहां पे। ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी के अंदर थर्ड पॉइंट है रैशनल, सॉरी अजम्पशंस के अंदर थर्ड पॉइंट है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मतलब उसके पास पूरा नॉलेज है और उसको इंफॉर्मेशन इजिली एक्सेसिबल है, बावला कंज्यूमर नहीं है, उन्होंने पहले ही बोला। नहीं तो मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें जैगुआर पसंद है ओवर, कौन सा दूसरा एग्जांपल दिया, रोल्स रॉयस ज्यादा पसंद है, सेकंड रैंकिंग दे रहे हो तुम जैगुआर को, जैगुआर ज्यादा पसंद है 800 कम पसंद है, लेकिन जब रैंकिंग करने आ गया रोल्स रॉयस और 800 तुम बोल रहे नहीं मेरे को 800 पसंद है, तो ये कौन इंसान बोल सकता है? कोई बावला इंसान ही बोल सकता है। तो उन्होंने बोला कि लोग बोलेंगे, उन्हें मालूम है स्टूडेंट आगा हुआ है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया रैशनल कंज्यूमर का भी पॉइंट डाल दिया। वेदांत सही है कि नहीं? अब ये लड़की कितनी लुच्ची है, ये बोलती मेरे को 800 ही चाहिए, नहीं सर 800 ही चाहिए। अब इसकी रैंकिंग भाई अपने अपने शौक है। अभी 800 में बैठकर नशे करे तो कोई पकड़ता भी नहीं है, बोले क्या करेगा, नशे करने के पैसे होते तो बड़ी कार नहीं ले लेता। रैंकिंग एंड प्रेफरेंस, द कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन दे यील्ड। इसका मतलब क्या है, सिंपली ये रैंक कर सकता है, रैंक और अपनी प्रेफरेंस बता सकता है, कितने रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अपने को पैसे टर्म्स में बात नहीं करनी है। नंबर ऑफ गुड, इफ द कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट मैंने तुम्हें समझाया था और तुमने करेक्टली आइडेंटिफाई भी कर लिया था, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर क्वांटिटी देन कॉम्बिनेशन बी देन ए मस्ट बी प्रेफर्ड ओवर बी, this is because the customer prefer more to less and tries to maximize his satisfaction. समझो यहां पर तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो, वन नेकलेस प्लस 5 रिंग्स, ये एक क्या बोलते हैं, एक सेटिस्फैक्शन दे रहा है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 नेकलेस प्लस 7 रिंग्स, कौन सा कॉम्बिनेशन तुमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा ऋतुजा, कौन सा सेकंड वाला, यही बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा रहा तो 2 नेकलेस प्लस 3 रिंग्स, शायद ये सेम सेटिस्फैक्शन दे ये दोनों, पर ऑब्वियसली ये दोनों तो सेम सेटिस्फैक्शन कभी नहीं देने वाले। सही बात। Indifference curve analysis. In indifference curve analysis, the customer's preference is arranged in order of his preference rather than measuring them in monetary term. क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि अगर तुम ऑर्डिनल अप्रोच यूज कर रहे हो तो यहाँ पर इसको पैसे में मेजर मत करो, पैसा हाथ की मैल है, इसको रैंक करो। दूसरा, an indifference curve is a curve which represent all combination of goods which gives same satisfaction to the customer. मैंने तुम्हें वो ग्राफ भी ड्रॉ करके बताया था, इंडिफरेंस कर्व भी बताया था कि कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी अपने को नीचे दिखेगा, एक एग्जांपल लेंगे, सिंस ऑल कॉम्बिनेशन ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव्स हिम इक्वल सेटिस्फैक्शन, ही प्रेफर देम इक्वली एंड डज नॉट माइंड व्हिच कॉम्बिनेशन ही गेट, ही रिमेंस इंडिफरेंट अमंग दोस कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे, एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर 15 रोज और 1 लिली है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन है, तुमने रोज कम कर दिए तो मुझको बताओ लिली बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी सेम सेटिस्फैक्शन के लिए, ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा। फिर तुमने और रोजेस कम किए तो लिलीज और बढ़ानी पड़ेगी, तो एक जगह सेक्रीफाइस कर रहे हो तो दूसरी जगह तुमको गेन होना चाहिए। सो तुम करते गए, कॉम्बिनेशन बनाया तुमने 15:1 का, 11:2 का, 4:3 का, 6:4 का और 5:5 का। समझ में आया? अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पर 15:1 ये वाला पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ए, 11:2 ये वाला पॉइंट आ रहा है कि नहीं, 8:3, 6:4 एंड 5:5। अब इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बट ऑल ऑफ देम कंबाइन इक्वल सेटिस्फैक्शन देने वाले। इन दोनों को कंबाइन करोगे, रोज और लिली को, 15 और 1 का, ये कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट इज गोइंग टू गिव यू सेटिस्फैक्शन। कॉम्बिनेशन बी बनेगा 11 प्लस 2 का, ये भी तुम्हें सेम सेटिस्फैक्शन देगा। ऑल्दो ग्राफ देखने पर लग रहा है इनकी पोजीशन अलग है तो सेम सेटिस्फैक्शन कैसे देंगे, लग रहा है ग्राफ देखकर कि ये तो ऊपर दिख रहा है, बी नीचे दिख रहा है, सेम कैसे सेटिस्फैक्शन है, लग रहा है क्या, पर ए यहीं तक रुका हुआ है, बी आगे बढ़ गया। समझ में आया? सी देखो और नीचे हो गया लेकिन बी से आगे बढ़ चुका है, therefore they represent equal satisfaction. समझ में आया? वैष्णवी, वर्षा, दोनों, वर्षा कौन है अपनी क्लास में, वर्षा, मैं भूल जाता हूँ, अभी भी से बहुत नाम हो गया। वैष्णवी, तुम वैष्णवी ना, कौन सी वैष्णवी, साखरे, वैष्णवी समझा हो। Now the next point is marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution मतलब क्या होता है, एक कमोडिटी को एक्स्ट्रा अक्वायर करने के लिए तुम्हें दूसरी कमोडिटी का कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। वी हैव टू कैलकुलेट द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। व्हेन यू सैक्रिफाइस्ड, ध्यान देना, व्हेन यू अक्वायर्ड 1 मोर लिली, 1 लिली एक्स्ट्रा अक्वायर करने के लिए तुम्हें कितने रोजेस का सैक्रिफाइस करना पड़ा, 4। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कितना हो गया, 4। अक्षत समझ, तुझे 1 और लिली देना है तो कितने रोजेस का और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, दिन। एक और एक्स्ट्रा लिली लेने के लिए दो का सेक्रीफाइस और एक और लिली लेने के लिए इस बार एक का सेक्रीफाइस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग ट्रेंड दिखा रहा है? तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोप। पहले बोले ये सारी चीजें समझ में आई कि इतनी इजी है बहुत, इसलिए मैं ऐसा आराम आराम से जा रहा हूं। समझ में युक्ता, समझ में साक्षी? तुमको समझ में? कमोलिका? अब ऐसे ही नाम पड़ेंगे, अब देखो धीरे धीरे। कमोलिका हो तुम आज से। समझ में आ गया इसको भी? और शिवराज के बाजू वाले नाम क्या है? हाँ, अभिषेक। पूरा आराम। अच्छा अभिषेक मांडे, समझ में आया तुझे? क्या समझ में आया? इंडिफरेंस कर्व। वापस से समराइज करो, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स the combination of commodities which gives equal satisfaction. Any combination lying on indifference curve will give you equal satisfaction. The customer will be indifferent to choose among any option available. कोई भी combination available रहेगा उसमें से वो choose करने के लिए indifferent रहेगा, ठीक है। Now next was marginal rate of substitution. पहले indifference map देख लेते। Indifference curve समझा कह रहे तुमको? Indifference curve समझा? ऐसा एक curve रहता है। ओमकार क्या बातें चल रही है? क्या बातें चल रही है? बताओ बताओ बताओ। टू गुड्स का ही होगा पक्का, वही बात चल रही थी। भरोसा नहीं होता मेरे को कई बार। कॉम्बिनेशन टू गुड्स का ही अपने केस में एप्लीकेबल, मतलब अपने सिलेबस में टू गुड्स का ही कॉम्बिनेशन लिया। अब सुन ओमकार, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये तीन पॉइंट है, तीनों पे सेम सेटिस्फेक्शन रहेगा या बी पे ज्यादा रहेगा? अरे रुको ना ओमकार, क्यों भाई? एग्जैक्टली। अच्छा ये सही है क्या? ये एक और बनाया मैंने इंडिफरेंस कर्व। क्यों? इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो। अच्छा ये सही है क्या? ये सही है। रोहन, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन से पॉइंट पे मिलेगा? कौन सा? एफ जी एच तीनों पे? फिर बोलना एफ, पॉइंट एफ पे। पॉइंट एफ पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या ये सही है? हाँ है तो सही, पर अधूरा आंसर दिया है। अरे जितना एफ पर मिल रहा है उतना ही जी पे मिलेगा और उतना ही एच पे भी मिलने वाला है ना। सबसे कम सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पे मिलेगा? डी और ई, ठीक है। और ये जो पूरा तामझाम किया ना अपन ने, दिस इज नथिंग बट इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस कर्व एक सिंगल कर्व रहता है और मैप में क्या रहेगा? मल्टीपल कर्व्स रहेंगे। मुझको बता कहां पे गया सत्वा के पीछे? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा नहीं, इंदुराज, चल मेरे को बता कि पॉइंट ए और पॉइंट एफ, इन दो पॉइंट में से कौन से पॉइंट पे या कौन से कॉम्बिनेशन में ज्यादा कमोडिटी है? दोनों में सेम है। तेजस, सेम। पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट एफ। क्या इन दोनों पे, तुम ये दोनों बोल रहे हैं कि इन दोनों पे पॉइंट ए और पॉइंट एफ पे सेम कॉम्बिनेशन है? श्रेयस, किसमें ज्यादा है या सेम है? गुमराह करूंगा मैं तुम्हें, बोलो श्रेयस जोर से। प्रशांत आंसर मत बता, क्या बोल रहा है श्रेयस? यही है ना? अच्छा तान्या सर क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए। पॉइंट ए और पॉइंट एफ ये दो पॉइंट है इन डिफरेंस मैप के ऊपर। रुतुजा ध्यान दो, कौन सा पॉइंट, कौन से पॉइंट के अंदर ज्यादा गुड्स का कॉम्बिनेशन है? एफ पे डाउटफुल है फिर भी लड़की। आंचल कॉम्बिनेशन दोनों का अलग है, इसके अंदर कमोडिटी एक्स है कमोडिटी वाई है और इसके अंदर कमोडिटी एक्स है कमोडिटी वाई है। तुम बताओ किसके अंदर एक्स ज्यादा रहेगा किसके अंदर वाई ज्यादा रहेगा, ये बताना पॉसिबल नहीं है। एफ में एक्स भी ज्यादा है और वाई भी ज्यादा है। प्रियंका आंसर एफ। जागृति, जागृति नहीं है अपना, जयंती सॉरी। अच्छा जागृति भी है जयंती भी है दोनों। हाँ बोलो, पहले जागृति बोलेगी। दोनों में सेम होगा, जयंती सेम ही होगा। ऐश्वर्या हाँ सेम। अरे था तुमने सेम बोला ना पहले, तुम डिफरेंट होगा ऐसे बोलो। हाँ तुम बोलो लड़की। एफ एफ। अमृता सीधी हुआ तो बच्चों वाला है। शिव अपना क्या नाम है इसका, पाटिल एफ। दूसरी पाटिल सोनाक्षी। क्रांति अभिजीत बता कैसे। हाँ सर इस पॉइंट ए और पॉइंट एफ दो पॉइंट में से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें मिल रहा था? एफ पे पक्का। जिन्होंने गलत आंसर दिया पहले वो सुन लो, एफ पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अरे भाई तेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्यों मिलेगा? क्योंकि कमोडिटीज ज्यादा है ना उसके अंदर। अगर कमोडिटीज ज्यादा नहीं है तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा कैसे मिलेगा? इफ आई कंपेयर पॉइंट ई विद बी, ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें है? बी में। कम किसमें? ई में कम है। तो ई में कम क्वांटिटी होगी ना, तभी तो कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आंचल indifference map देखना। A set of indifference curve is called as indifference map. An indifference map depict complete picture of customer taste and preferences. इसको underline कर लो इस point को, ये पूछा जाता है। It is a very general statement पर पूछा जाता है। The consumer is indifferent for any combination lying on same IC. अगर same indifference curve है ना तो उसके ऊपर कोई भी point हो रहे तो same satisfaction देंगे, लेकिन अगर curve ही change हो गया तो सर कर्व चेंज हो गया, इसका मतलब यही है कि कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और अगर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, कॉम्बिनेशन बढ़ गया, टोटली बढ़ गया दोनों कमोडिटी का, या दोनों कमोडिटी का एक साथ कम हो गया, तो सर सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगा और वो नए इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएगा। However, he prefers a combination on higher IC. देखो क्या बोल रहे हैं, he prefers a combination of higher IC, IC4 पे कंपेयर टू लोअर IC as combination of higher IC gives him more satisfaction. सीधी बात है, ऊपर का ऐसी कर्व गिव्स ए मोर सेटिस्फेक्शन, और मोर सेटिस्फेक्शन देने का रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर मोर कमोडिटी है दोनों की। फार्दर द आईसी फ्रॉम द ओरिजिन हायर इज द सेटिस्फेक्शन लेवल, ट्रू। जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट हाउ मच ऑफ वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर हाउ मच ऑफ अनदर कमोडिटी। एक लिली बढ़ाने के लिए तुमने कितने रोजेस का सैक्रिफाइस किया, यह है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाउ मच ऑफ वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर हाउ मच ऑफ अनदर कमोडिटी, हाउ मच ऑफ रोजेस आर सैक्रिफाइस्ड फॉर वन लिली, इसका मतलब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तुमने देखा होगा डाउनवर्ड डाउनवर्ड आ रहा था, मतलब कम होते जा रहा था, तो इट इज शोइंग अ डिमिनिशिंग ट्रेंड। तो इसका कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप, इट शोज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट हो सकता है? बोलो सौरभ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कांस्टेंट हो सकता है? क्या बोल रहे तुम? जो बोलते हो समझ में नहीं आता पहले। हाँ, नहीं हो सकता, हो सकता है, दो आंसर आ रहे हैं, नहीं हो सकता है, हो सकता है। सर नथिंग इज इम्पॉसिबल बोलोगे, ऐसा मत बोलना, फिर बाद में बोलोगे सर द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। बकवास, चलो बताओ होता है या नहीं होता है? सौरभ, हाँ तुम्हारे आंसर आ गए, तुम्हारा भी आंसर रजिस्टर कर दिया हमने। बोलो, हो सकता है। वैभवी, हो सकता है या नहीं? क्या हाँ या ना, दो ही आंसर हो सकते हैं। ऐसा कैसा नशा रे इसका? इसको यहां की चार्जिंग पसंद नहीं आई होगी। बोलो नहीं। बोलो, हो सकता है। होता क्या? ऐसे उसको इशारा करे, बोलो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। दीपिका, हो सकता है। हाँ, इतने गलत कैसे हो सकते हो तुम लोग यार। श्रद्धा, श्रद्धा हो सकता है। कैसे आप प्रूव करके बताओ, कैसे प्रूव कौन करेगा? कौन है वो खुश? तू नहीं, तू नहीं, मेरे को मालूम है तू दे देगा आंसर, डिस्कस कर रहे थे। कौन खुशनसीब बताना चाहता है? वैसे तो इसका आंसर है भाई होता है, हो सकता है। कौन खुशनसीब है? तुम दोनों दो तीन रुको, तुम्हारा डिस्कशन सुन लिया मैंने, सही है तुम्हारा। कौन खुशनसीब बोलेगा? हाथ ऊपर करो कोई खुशनसीब, या रैंडमली एक नंबर चूज करते हैं। मैं ऐसे हाथ रखता हूं अटेंडेंस लिस्ट पे। हाँ, अभी चार नाम पे आ गए हाथ। रुको, सज्जाद, सज्जाद आया है। सज्जाद एक्सप्लेन, कैसे हो सकता है? ये ट्रिक अच्छी है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कितने बदनसीब हो तुम लोग। 80 नाम में से एक ही नाम चुना जा रहा है, बेचारा सज्जाद बैठा है, वो खंबे के पीछे बैठा हुआ है। मैच कितने बजे है? आए नहीं सर, आए नहीं सर बोलेगा सज्जाद। हाँ, एक ये नया ट्रेंड मेरे को पता चला, कुछ पागलपन सा लगता है, कि आधी आधी फोटो खींचने का, सेल्फी में खुद को इतने ही आने देने का। अभी सडनली मैं ऐसा हाफ फ्रेम में आ गया तो मेरे को याद आई क्या पागलपन है। मैंने एक, मेरे स्टूडेंट का ग्रुप ना फोटो खींच रहा था, जो बंदी सेल्फी खींच रही थी ना, उसने खुद को आधा लिया। मैंने बोला तू तो पूरी आजा, खुद ले रही है एडजस्ट करके। नहीं बोलिए ट्रेंड है सर आज का, ये कैसा ट्रेंड है? क्या है सच में सज्जाद, मालूम है? नहीं, अभी फर्स्ट पेज से उठाते हैं। जस्सी, एग्जैक्टली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हो जाता है। लेट्स से घटिया एग्जाम्पल हमेशा हमारा, खैर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है पर मान लेते हैं अपन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। 4 कप टी और 1 कप कॉफी पीते हो तुम दिन में, उसकी जगह 3 और 2 भी चल जाता तुमको, 2 1 भी चल जाता, 1 नहीं कम करते गए हमें। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख रहा है, 1 एडिशनल टी अक्वायर करने के लिए तुमने 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कॉफी अक्वायर करने के लिए तुमने 1 यूनिट ऑफ टी को सेक्रीफाइस कर दिया। एडिशनल 1 यूनिट ऑफ कॉफी को अक्वायर करने के लिए तुमने अगेन 1 यूनिट ऑफ टी को सेक्रीफाइस कर दिया, और 1 यूनिट एक्स्ट्रा अक्वायर करने के लिए फिर से तुम्हारा जो सैक्रिफाइस था वो एक सिंगल यूनिट का ही था। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज कांस्टेंट इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट। लिखो कहीं तो भी लिखो, है क्या पॉइंट दे रखा है क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एमआरएस इज कांस्टेंट इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट। मैडम एडमिशन हो गई तुम्हारी? तो फिर बुक मिलेगी, लिखोगी, टेस्ट होगी, मार्क्स आएंगे, इंटर में मिलेंगे फिर अपन, समझ रहे हो? अमृता तुम दो बुक क्या कर रही, रिवीजन भी कर रही साथ में? वो बाजू की बुक किसकी है? क्या की है वो? बिजनेस लॉ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हो गया। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व फटाफट कंप्लीट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखो, तीन चार पॉइंट तो मालूम है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स समझता क्या? हाँ ऐसा और ऐसा, ऐसे कैसे? मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, पहले गायब हो जाऊं मैं, ऐसा ग्राफ नहीं बनता सर। कौन से स्कूल में पढ़े हो? मैं स्टेट बोर्ड हूं मैं, यू कांट ब्लेम मी। डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऑल पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव यू सेम सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बोलो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा तुम्हें? जब तुम हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले जाओगे। पार्टिसिपेट करो। ये पीछे की दो रो क्यों शांत बैठी है? प्रजय सोनाक्षी वाला ग्रुप क्यों शांत बैठा है? तो बोलो, ये लोग बोल रहे हैं, बावले थोड़ी है ये। मयूर नो इंटरसेक्टिंग, ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। क्यों? अगर इंटरसेक्ट हो गए दैट मींस दो इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फेक्शन दे देंगे। अगर वो इंटरसेक्ट हो गए इसका मतलब क्या है? दे आर गिविंग सेम सेटिस्फेक्शन, यानी हायर आईसी और लोअर आईसी दोनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे, पर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हायर आईसी इज गोइंग टू गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन, लोअर आईसी इज गोइंग टू गिव यू लेसर सेटिस्फेक्शन। और अगर इंटरसेक्ट हो गए तो इसका मतलब क्या? हायर और लोअर सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। बजट लाइन, बजट लाइन मतलब क्या? बजट लाइन मतलब क्या है? सबसे पहले तुम अपने इंडिफरेंस कर्व को देखो। अक्षत इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 4, कौन से इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहेगा तू? सबसे ऊपर वाले पर। ये क्या है? ये अपनी बजट लाइन है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? औकात है। ये औकात के ऊपर जाने की कोशिश करता है इंसान, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। और अंडर कंजम्पशन करना भी उसके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो ये तुम्हारी बजट लाइन है, जिसको इनकम लाइन भी बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं। अब यहां पे जब ये टेंजेंशियली, जब तुम्हारी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंशियली कट करती है, दैट इज द पॉइंट व्हिच यू कैन अचीव। अभी देखना, ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। तुम मुझको बताओ IC4, IC3, IC2, IC1 कौन सा इंडिफरेंस कर्व चूज करोगे तुम? 4 करना चाहोगे लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। 1 और 2 को तो तुम इग्नोर करोगे, तो तुम 3 चूज करोगे। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पॉइंट A आ रहा है, पॉइंट B आ रहा है, पॉइंट C आ रहा है। कौन सा पॉइंट तुम्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है? कौन सा पॉइंट ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है? सर तीनों पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, पर ये बजट के बाहर है। ये सुख पाना तेरे बजट के बाहर है, पर तू सेम सुख पा सकता है अपने बजट के अंदर, पॉइंट बी पर। समझ में आया तुमको? तो बजट लाइन क्या करती है? बजट लाइन सबसे पहले, इसको कंस्ट्रेंट लाइन भी बोलते हैं, ये कंस्ट्रेंट ड्रॉ कर देती है कि भाई इससे ज्यादा तू रिसोर्सेस खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि यार मैं इंडिफरेंस कर्व 3 पे जो सेटिस्फेक्शन है उतना ही अचीव कर सकता हूं। इंडिफरेंस कर्व 4 पे जो सेटिस्फेक्शन है वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है, पर इंडिफरेंस कर्व 3 पर भी 3 पॉइंट है जो तीनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे, लेकिन बाकी का पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों मेरे बजट के बाहर है। सिर्फ बजट में एक ही पॉइंट बैठता है, कौन सा? पॉइंट बी। तो कस्टमर कौन सा पॉइंट चूज करेगा? बी, द पॉइंट विच इज टेंजेंशियल टू द बजट लाइन। समझा क्या? चलो आज के लिए इतना ही, कल रैप अप कर देंगे इसको। ये रीड करके आना तुम।